कॉस्ट्यूम्स तैयार हैं, डांसर्स तैयार हैं, म्यूजिक भी तैयार है, सबसे मिल चुकी हूँ ना तुम। अगर गलत नहीं समझ रही तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं ना। ठीक है, डेकोरेशंस ऑर्डर कर दी है ना हमने, चलो फिर तो कोई मसला नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, तुम कितनी अकलमंद और होशियार हो। क्या बात है तुम्हारी। देखो बात सुनो, इस तरह की तकरीब मुनक्किद करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन तुमने हर चीज को बहुत अच्छे से संभाला है। क्या बात है तुम्हारी। गिज़म, वाकई तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मगर हमारी पूरी टीम का एफर्ट है इसमें। जो भी कहो, मेहनत तुमने ज्यादा की है इसकी। वैसे मैं एक बात सोच रही थी, अब तुमने इतनी मेहनत की है इसके लिए, तुम काफी थक गई होगी ना, काफी मुश्किल रहा होगा ये तुम्हारे लिए। और तुमने इसके लिए दिन और रात काम किया है। काम जो कोई भी हो मुश्किल होता है, लेकिन जब काम से प्यार हो तो सब आसान हो जाता है। मुझे खुशी होती है काम करके अपनी सारी फिक्रें भूल जाती हूँ। कॉकटेल का नाम फॉरगॉटन हेड रख दिया। हाँ, मैं यही नाम इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, दिमाग बहुत चलता है मेरा। मुझे भी काम से प्यार है, यानी काम के बगैर तो मैं बिल्कुल पागल होने लगती हूँ अगर मैं काम ना करूँ। लेकिन इस जगह पर काम को और रिश्तों को एक साथ लेकर चलना तो बहुत ही मुश्किल काम है। पता नहीं कैसे मैनेज करती हो। तुम्हारी जगह मैं होती तो कभी ना कर पाती। अब देखो ना, जैसे अजगर मुझे बता रहा था कि किसी नई जगह जाना है और वहाँ मेरी कुछ इस तरह की ड्यूटी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम्हें क्या हुआ? नहीं, वो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई अगर कोलंबिया में पेट्रोल की प्राइसेस दोबारा बढ़ गई हैं तो? अब हम कर ही क्या सकते हैं। तुम्हें इसमें क्यों दिलचस्पी होने लगी? क्या मतलब, मुझे इन बातों में बहुत दिलचस्पी है। मुझे इस दुनिया के हर फर्द का एहसास है और कोलंबियंस का भी। आप अपनी बात जारी रखें। ओके, तो मैं ये कह रही थी कि अजगर अब मुझे उस नई जगह भेजना चाहता है, तो पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। सोच रही हूँ कि मना कर दो। लगता है तुम्हारा कोई प्लान नहीं है फैमिली स्टार्ट करने का। असल में है, जब वक्त आएगा तो देखेंगे, मगर चले आ जाए, सब तैयार है, ट्राई कर ले। आ रही हूँ, आ जाओ आ जाओ, वहीं कंटिन्यू करते हैं। चलो अजगर, आ जाओ ना। हेलो जानसू। हेलो, क्या तुम तैयार हो? हाँ हाँ तैयार हूँ। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल के करीब है ना? हाँ, पैदल जा सकते हैं। उफ, शुक्र है, मेरे पास बहुत काम है, जल्दी वापस आ जाऊंगी वहाँ से। कौन फोन कर रहा है? स्पॉन्सर कॉल कर रहा है, अभी उससे बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा है मेरा। ओ अच्छा, फोन उठा लो, हो सकता है कि कोई जरूरी बात हो, खाना बाद में खा लेंगे। नहीं तो, इतना भी जरूरी नहीं है, चलो छोड़ो चलते हैं। चलो, ऐसा लगता है ये मुझसे कुछ छुपाना चाह रही है, लेकिन मैं ये सब कुछ क्यों सोच रहा हूँ। ओजान कमाल कर दिया, हर चीज ही लजीज है। शेफ, बहुत जबरदस्त है ये। शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, सच में ये बहुत ही अच्छा है। ये खवातीन को बहुत पसंद आएगा, क्यों अजगर साहब? ऐसे ही बिल्कुल सही कह रहे हो। सच तो ये है कि मैं यहाँ किसी को भी मुतासिर नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं इस शो में हिस्सा लेना चाहूँगा। और मैं भी। ठीक है, नाम लिख देता हूँ मैं। ओह क्या बात है इन शोलों की, मुझे बेहद पसंद। आग भी लग सकती है इनसे। अब और कितना खाओगी? अपना मुंह बंद रखो। खुश आमदीद, आ जाओ आ जाओ। बहुत शुक्रिया। हाय, कैसी हो? हेलो अजगर, कैसे हो तुम? अरे इसकी, यही काम करती हो ना तुम भी, क्या हाल है? हाँ ऐसे ही है, मैं ठीक हूँ। इरम तुम कैसी हो? मैं भी ठीक। ये भी मेरी हमनाम, मेरी दोस्त है इरम। इसकी, इरम से मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है, साथ ही पढ़ा है हमने। इसने मुझसे इसरार किया यहाँ आने पर, तो मैं यहाँ आ गई। ये तो अच्छा किया तुमने, खुश आमदीद। डिनीस और तुम साथ काम करती हो? हाँ बिल्कुल, हम दोनों साथ काम करते हैं। डिनीस की दोस्त हो ना तुम? हाँ बहुत करीबी दोस्त। अच्छी बात है, जबरदस्त। और हफ्ते तक मैं इंतजार नहीं कर सकती यहाँ के खाने के लिए। हफ्ते को क्या कुछ है? हाँ, ओजान ने एक प्रोग्राम तरतीब दिया है लैटिन कुजिन के हवाले से, और वो भी हफ्ते की रात को। मेरे ख्याल में ये तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए। अगर कोई चाहेगा तो आ जाऊंगी मैं। आ सकती हो अगर चाहो। आना जरूर आना, बहुत खुशी होगी हमें। मैं तो सोच रही हूँ सरदार को भी बुला लेती हूँ इस इवेंट पर। हाँ अच्छी बात है, बुलाना चाहिए। बुलाती हूँ मैं। अच्छा है, मजा आएगा। हाँ बहुत मजा आने वाला है हमें, कमाल टीम बन जाएगी। हाँ बहुत अच्छा होगा, सब साथ में होंगे। तुम लोग बातें जारी रखो अपनी, मैं जाकर काम देखती हूँ।
फिर मिलते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अरे क्या, आप यहीं खड़ी रहेंगी? आ जाएं, बैठ जाएं। वैसे सच कहूं तो मैंने तो सोचा था कि तुम सुनैर और एज़की को मिलाओगी, लेकिन देखो एज़की को तो कोई और ही मिल गया है, तो तुम्हारा तो मनसूबा चौपट ही हो गया। लेकिन हाँ, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है, और वो ये कि असगर साहब अब बिल्कुल सिंगल हैं। इसके बावजूद वो तुम्हारी तरफ नहीं देखते। सिंगल होने के बावजूद भी? असगर साहब, क्या शेफ औजान यहाँ पर मौजूद हैं? मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उनके साइन चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, मैं बुलाता हूँ अभी। औजान शेफ, प्लीज इधर आओ, तुम्हारी जरूरत है यार। ठीक है। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपका। यकीन माने कल के खाने का जायका अभी तक मेरी जबान पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया। जब डिनीज ने सुना कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ, तो उसने कहा कि कुछ सिग्नेचर मिस हैं आपके, वो भी करवा लेना। ये लीजिए, आप देख लीजिए। तो आपके हाथ भेज दिया उसने? ठीक कहा आपने, आप इस पर सिग्नेचर कर दीजिए, मैं ले जाऊंगी। ठीक है। मैंने इसमें मार्क कर दिया है जहाँ आपने सिग्नेचर करने हैं, जब मैं यहाँ से जाने लगूंगी तो इसे ले जाऊंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, मुझे किचन में जाना होगा, आप एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया। कुछ चाहिए तो बिना झिझक बता सकते हैं आप लोग, ठीक है? ठीक है। अच्छा तो तुम बताओ, हमें खाने के लिए क्या ऑर्डर करना चाहिए? जो तुम्हारा दिल चाहे। अब ये सब क्या है भाई? हाँ, इरम के हाथों क्यों भेजे उसने कागजात? इसमें भी कोई इशारा है क्या? हाँ, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। नहीं, कुछ ज्यादा सोच रहे हो तुम। मैं जानता हूँ, अभी कुछ नहीं सुनना चाहता मैं, क्योंकि पहले ही बहुत उलझन में हूँ मैं। सब खत्म हो गया, सब खत्म, हर चीज अपने हाथों से बिगाड़ के रख दी मैंने। पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में वो। कुछ भी सोच सकती है वो। क्या वाकई? तुम और परेशान कर दो मुझे। वैसे किसी भी औरत के साथ किसी भी मर्द को ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। क्या? क्या? तुम्हारी कैफियत देखकर हंसी आ रही है मुझे। किस तरह की बातें कर रहे हो तुम ये? तुम्हें हजार बार कहा है मैंने वैसे कि तुम अगर मेरी नसीहतों पर अमल कर लो ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे तुम काफी बेहतर लग रहे हो पहले से, यकीन करो मेरा। कितना बेहतर लग रहा हूँ? ये तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, देख लो। बस बहुत हो गया, मैं अभी उससे कॉल करके पूछ लेता हूँ। अरे रुको रुको, सबर करो, इंतजार करो, बेवकूफी मत करो, जो होना था ना वो हो गया, बस करो। और कितना इंतजार करूँ? तुमने देखा नहीं क्या भाई, यानी मेरा उसे वजह देना बनता है? इसमें हर चीज क्या है? अगर वाकई बात करना चाहते हो तो फोन पर बात नहीं करना, उसे कहीं बुलाओ और आमने सामने बैठ के बात करो। लेकिन खैर रुको, तुम छोड़ दो, मैं प्लान करता हूँ कुछ अच्छा सा तुम्हारे लिए। मैंने तो सोचा था कि उस इंटरव्यू के बाद वो तुमसे कभी नहीं मिलना चाहेगा। वैसे सोचा तो मैंने भी यही था, मगर जिंदगी कभी भी कहीं ले जा सकती। सच में ऐसा है? अच्छी बात है। खैर अब मुझे यही जानना है कि ये सब कुछ हुआ कैसे। वैसे तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ आने के लिए इतनी बेकरार क्यों थी तुम? क्योंकि यहाँ का शेफ बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, शेफ औजान? बिल्कुल। जहाँ तक मुझे लगता है औजान अकलमंद और एक बहादुर इंसान है, मुझे नहीं लगता कि वो प्यार में पड़ेगा। यानी तुम्हारे भाई के बाद मुझे किसी की तो जरूरत थी ना आखिर। लेकिन मोहतात रहना है तुम्हें। ठीक है, समझ गई मैं, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। यानी मुझे नहीं लगता कि ये मुझसे जल्दी दूर भागने लगेगा। तो तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि सरदार इसके चक्रों में है, क्या तुम्हें नहीं लगता? ऐसा ही है, सरदार से कहा था मैंने कि ये तुम्हारे टाइप की नहीं, लेकिन नहीं माना। ठीक है, आप इसके मुताबिक सब कुछ देख लीजिए। खैर जो होगा देखा जाएगा, मुझे मेरी वैल्यू का अंदाजा है। देखते हैं। एज़की डियर, आज तो बहुत ही ज्यादा मसरूफ हो तुम। अभी तुम किसी सरदार के बारे में बात कर रही थी, तुम्हारा खास दोस्त है क्या? नहीं तो, अभी बस एक दूसरे को जान रहे हैं। अच्छा, उम्मीद करती हूँ इस दफा तुम्हारा दिल ना टूटे, तुम डिजर्व नहीं करती। इंशाल्लाह, शुक्रिया। ठीक है, फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज। आ जाओ, कॉफी का वक्त हो गया।
मैं भी चाह रहा था कुछ देर का ब्रेक ले लूं। खुश कर दिया तुमने तो। मैं क्या कहना चाह रहा था, देखो मैं आज के दिन थोड़ा जल्दी चला जाऊंगा और तुम्हें भी जल्दी चला जाना चाहिए मेरे ख्याल में। बल्कि साथ चलो ऐसी जगह पर जहां पर बहुत जबरदस्त खाना हमारा इंतजार कर रहा है। खाने के बाद सोचेंगे कि कौन सी मूवी देखने चले और उसके बाद आराम से बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे मोहब्बत भरी, और मैं तुम्हें तंग करूंगा। माफी चाहती हूँ, लड़कियों से वादा कर चुकी हूँ मैं। तुम फिर लड़कियों के साथ जा रही हो? बता सकती हो कि कहाँ जाओगी? बिल्कुल, पहले लड़कियों के साथ जिम जाऊंगी और वहां से हम लोग डिनर पे चले जाएंगे। डिनर करने जाओगी? दरअसल मैं हर वक्त योगा करते करते थक चुका हूँ और काफी वक्त से मैंने वजन भी नहीं उठाया है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ जिम जाना चाहिए, थोड़ा सा वजन उठा लूंगा। क्या संजीदा हो तुम? हाँ बिल्कुल, यकीनन तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। नहीं कोई मसला नहीं, आ सकते हो तुम, आ जाना। हाँ ठीक है, तो साथ चलेंगे। तो डील डन। अच्छा तो मैं चलती हूँ, फिर साथ चलते हैं। भूलना मत। हाँ काम खत्म होते ही चलते हैं। ओके सी यू, ख्याल रखना। मुआ। बाय। बातों में कॉफी ही भूल गया, लगता है कि कोई ना कोई बात छुपा रही है मुझसे। अब क्या करूं मैं? एस्की को कॉल करती हूँ। इसे भी ट्राई करके बताओ मुझे। ठीक है, इससे शुरू करती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ कहो चांसू। आज रात का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? कुछ नहीं। ठीक है, तो तुम लोगों को मेरे साथ जिम चलना होगा। क्या स्विमिंग सीखने के लिए? हाँ हाँ। नहीं नहीं, स्विमिंग सीखने नहीं जाऊंगी आज मैं, कैंसिल करना पड़ा वो प्रोग्राम। वजह? वजह देने का वक्त नहीं है, बाद में बता दूंगी मैं। अभी डिनीस को भी कॉल करके बताना है। डिनीस भी आएगी? फॉरफिट आना है ना? हाँ हाँ फॉरफिट। ठीक, 8 बजे वहाँ पर पहुँच जाना। ठीक है पहुँच जाऊंगी 8 बजे। ओके मिली जान, बाय बाय। ओके खुदा हाफिज, बाय बाय। हाँ डिनीस, ये बताओ क्या कर रही हो? हर चीज के लिए शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया की बात नहीं है, आती रहना यहाँ। ये लीजिए दस्तखत। हाँ, हो गए। जबरदस्त, मैं ये डिनीस को दे दूंगी। ठीक है। इसकी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो फिर मिलते हैं हफ्ते को, खुदा हाफिज। ओके श्योर, बाय बाय। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर। बाय। एमरे मेरे लिए कॉफी बना दो, सर में दर्द हो रहा है। तुम अब मेरे कोच नहीं रहे ना, इसलिए सरदार को बुलाने से पहले तुमसे पूछा नहीं। उम्मीद है बुरा नहीं लगा होगा। क्यों लगेगा बुरा मुझे? बिल्कुल, तुमने भी इरम को बुलाया है, सब साथ में होंगे, बहुत मजा आएगा। कुछ भी कहो लेकिन मैंने उसे कन्विंस किया है तो इसलिए वो भी आ रही है। अच्छा है, मजा आएगा। वाकई क्या बात है, यकीन करो या नहीं मुझे तो अभी से बहुत मजा आ रहा है। मैं लंच के लिए जाऊंगी तो दे दूंगी उसे। दिमाग खराब कर दिया है मेरा। मैं आ गई डिनीस। ठीक है मैं बता दूंगी आपको। तुम्हारा काम हो गया, ये लो। जहमत हुई तुम्हें? अरे जहमत कैसी, मैं तो वहीं जा रही थी। बल्कि मुझे तो बात करने का मौका मिल गया वहां जो शेफ औजान है उससे। अच्छा? सच में क्या हैंडसम बंदा है वो। वैसे तुम्हें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी नहीं हो रही है शेफ औजान में?
हाँ बिल्कुल। तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं एक बहुत ही अजीब सी अट्रैक्शन है मेरे और उसके दरमियान। मेरे ख्याल से फेस्टिवल की रात को जरूर हमारे दरमियान कुछ हो जाएगा, कम अज कम मुझे तो ऐसे ही लगता है। अच्छा सच में? काम के मामले में और प्यार के मामले में किस्मत मेरा साथ दे रही है, आगे देखते क्या होता है। यहाँ से चर्बी निकालेंगे और ये इजाफी चर्बी जो टांगों से निकालेंगे, कंधों के साथ साथ सीने पर भी लगाएंगे। उसके बाद आप देखना कि आप कितने स्मार्ट हो जाएंगे, देख लेना, जबरदस्त जान हो जाएगी आपकी। हाँ तो फिर आपका क्या ख्याल है, ऑपरेशन शुरू करें? जाइए फिर। हाँ आखिर किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं मेरे पास, अजीब और गरीब। आ जाए। मेरा काम खत्म हो गया, चलें क्या? मेरा काम तकरीबन खत्म हो गया, एक और पेशेंट देखकर आता हूँ, फिर चलते हैं। हाँ तो चलते हैं। अच्छा एक मिनट, फोन बज रहा है, ज़ैनब की कॉल आ रही है, अब क्या करूँ। यकीनन वो कहेगी कि मुलाकात करनी है मुझे। तो ठीक है फिर, तो तुम ज़ैनब से मिलो, हम लोग बाद में चले जाएंगे साथ। ये नहीं हो सकता है, इसका कोई हल निकल आएगा, एक मिनट रुको जरा। हाँ हेलो बेटा, कहो। मैं चाह रहा हूँ कि तुमसे मुलाकात करूँ, मैं वादा करता हूँ तुमसे जल्द मिलूंगा, लेकिन अभी मैं कहीं जा रहा हूँ। अच्छा बात सुनो, कल क्या कर रही हो तुम? फिर हम कल मिलते हैं, ठीक है ना मेरी प्यारी बेटी? हाँ वादा। ठीक है मेरी जान, अपना बहुत सा ख्याल रखना। ज़ैनब बहुत उदास हो जाएगी, काश तुम चले जाते। मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ जम जाने को तैयार नहीं हो। बिल्कुल नहीं, ऐसा मुमकिन है क्या? चलो चलते हैं, आ जाओ। ठीक है लेकिन पहले मुझे घर जाना है, उसके बाद मैं फिर तुम्हारे पास जम आता हूँ। ठीक है मैं अपना सामान साथ ले लेती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ से सीधा जिम चली जाती हूँ, तुम भी अपना सामान लेकर वहाँ आ जाना। ठीक है जैसा तुम चाहो। खुदा हाफिज़। ओके फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़। म्यूजिक बैंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट रेडी है क्या? नहीं अब तक तो साइन भी नहीं हुआ। तो फौरन साइन कर देते हैं, आखिरी मिनट हमें प्रॉब्लम ना हो कोई। ठीक है मैं अभी जाके साइन करवा देती हूँ। एस्की साहिबा आप अपना काम कितनी जिम्मेदारी से करती हैं, हमें आप जैसी ही लड़की की जरूरत थी। शुक्रिया एमरे लेकिन यही मेरा काम है, हम अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो मसाइल हैं वो मैं हल नहीं कर सकती हूँ मजबूरन। एक छोटी सी चू सब कुछ बिगाड़ कर रख सकती है, सारी मेहनत जाया हो जाएगी। ठीक है मैं उनसे फौरन कहती हूँ कि साइन कर दे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा है ये काम हो जाने के बाद हमारे पास कोई और काम नहीं बचा। बिल्कुल नहीं, तो हमने कर दिखाया। हाँ कर दिखाया। मेरा फोन तो मिल। हाँ मिलते हैं। क्या आपके लिए भी एक ठंडा लेमनेड बना दूं मैं? मैं जिम जा रही हूँ, तुम लोग लेट मत होना। इवेंट के जो भी काम थे सारे खत्म कर दिए हैं मैंने, और कोई काम नहीं तो क्या जा सकती हूँ मैं? कुछ देर में घर जाऊंगा, जाना है तुमने तो साथ चलेंगे। नो घर नहीं जा रही हूँ मैं, कुछ और प्लान है मेरे। ओह समझ गया, तो जाऊं मैं। हैव अ गुड इवनिंग। शाम बख़ैर। खुदा हाफिज। मुझे कुछ काम है, मैं किचन तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। ठीक है जी। ठीक है शेफ। हाँ क्यों ना जिम चलें आज हम। हाँ वैसे भी बहुत दिन हो चुके हैं, यहाँ बोर भी हो रहा हूँ मैं। क्या बातें कर रहे हो? हाँ अभी खाना पीना चल रहा है मेरा, वैसे भी मूड नहीं है अभी। वैसे भाई बाजू देखो तुम्हारे मुझे कमजोर लग रहे हैं, इन्हें एक्सरसाइज की जरूरत है। मुझे रोज कहते हो ना कि जिम जाना चाहिए, तो इसीलिए मैं आज पहली दफा तुमसे कह रहा हूँ कि मैं जिम जाना चाहता हूँ, और तुम नखरे दिखा रहे हो, क्या है ये? चलो चलते हैं नासगर। उठो चलते हैं, पहले बिल दे दूं। कोई बात नहीं, ये समझो ये ट्रीट मेरी तरफ से है। चलो जा रहे हैं ना हम। अच्छा मेरे ख्याल में लेवेंट जरूर ये जानता है कि तुम उसके साथ चीटिंग कर रही हो। हाँ मैं तुमसे ये कहकर उदास नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे भी यही लगता है। तो तुम लोगों को लगता है कि इसलिए वो मेरे साथ आना चाहता था? ऐसा ही है बिल्कुल। जब तक मैं स्विमिंग सीख नहीं लेती मुझे बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। टीचर हेलो। वैसे तो मैं जा रहा था लेकिन अगर आप स्विमिंग सीखने आई हैं तो मैं रुक जाता हूँ। नहीं नहीं मैं स्विमिंग सीखने के लिए नहीं आई हूँ आज, यहाँ जिम के लिए आई हूँ मैं। अच्छा ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
बता रही हूँ यही वक्त है, जितना जल्दी हो सके लेवेंट को इस बारे में बता दो कि तुम स्विमिंग सीख रहे हो। हाँ देखती हूँ। हेलो जानसू। हेलो एसकी। खुशामदीद लेवेंट। बहुत शुक्रिया। मैं अच्छी तरह जिम करूंगा। चलो चलते हैं। हाँ चलो। बहुत अच्छी जगह है। अच्छा तो ये बात है, पहले क्यों नहीं समझ आया मुझे? अगर तुम्हें बताता तो तुम इनकार कर देते। कितना हसीन इत्तेफाक है। बहुत अजीब इत्तेफाक है। तो तुमने यहाँ आना था? बिल्कुल, तुम्हें क्या लगा था? कुछ नहीं, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ मुझे लगा शायद तुम किसी पार्टी वार्टी के लिए जा रही हो। तुम यही सोच सकते हो। बहुत अच्छा आइडिया एक्सरसाइज करने का, पसंद आया मुझे। ओह दोस्तों, तुम लोग भी यहाँ आए हो। कैसे हो भाई? ठीक हूँ। तो यहाँ पर आए हो ताकत बनाने के लिए? जी बिल्कुल, हाँ क्यों नहीं, क्या कहते हो चले? हाँ ठीक है, चलते हैं। तो ठीक है, चलो अब आ जाओ, आ जाओ। हाँ चलो। अजी पागल दिमाग का आदमी है। लगता है काफी अरसे से एक्सरसाइज कर रहे हो तुम। हाँ भाई, 6 साल की उम्र से समझ लो मैं इसी काम में लगा हूँ। बास्केटबॉल प्लेयर भी था मैं, इसके अलावा किकबॉक्सिंग, क्रॉसफिट और साथ ही पावर लिफ्टिंग, और ओजान की बात करें तो ओजान स्विमर रहा है। जबरदस्त। मैं तो अपने आप को फिट रखने के लिए बास्केटबॉल खेला करता था, लेकिन जब मेडिकल स्कूल गया तो मैंने उसे छोड़ दिया। मसरूफियत की वजह से एक्सरसाइज का वक्त ही नहीं मिलता था। कोई बात नहीं, परेशानी की बात नहीं, मैं बकायदा एक प्रोग्राम बना के दे दूंगा, बहुत कम टाइम में अच्छा खासा फर्क आ जाएगा। प्रोग्राम नहीं भाई, शुक्रिया। योगा और वर्जिश करना मुझे काफी पसंद है, बॉडी और दिमाग को मजबूत बनाने का बेहतरीन नुस्खा है। और सच पूछो तो मसल्स बनाना मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन तुम जिस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हो और अपनी बॉडी बना रहे हो, ये मुझे अच्छा लगा। अरे भाई वैसे देखें, ये वो गेम है जिसमें शर्माएंगे तो काम नहीं बनने वाला। ठीक है, मैं मानता हूँ कि लोगों के सामने आप कहते होंगे मुझे मसल्स पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ इस वक्त हम दोनों ही हैं और मैं समझ सकता हूँ आपका दुख और ख्वाहिश। मुझे लगता है कि मेरी सेहत काफी बेहतर है। वैसे भाई एक बात कहूँ मैं? हाँ। यकीन कर मेरा, मैं इतना फिट नहीं हूँ, लोग अनफिट हैं असल में। ये तुम्हारा नजरिया है। कोई है जो तुमसे नजरें हटाने का नाम ही नहीं ले रहा। अब देखता है तो देखता रहे, मुझे इससे क्या। मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि वो मेरी आंखों के सामने इरम से फ्लर्ट कर रहा था। डिनीस, वो सिर्फ तुम्हें ये जेलिस करने के लिए कर रहा था, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। सही कहा ना? हाँ डिनीस, मैंने भी तुम्हें ये बात बताई है कि इरम के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वही हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो तो भागने की कोशिश कर रहा था उससे। हाँ वो उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखता, तुम मुझे ऐसे समझा रही हो जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ इसकी। बेवकूफ मत समझो मुझे। अच्छा बस ठीक है, देखो अब उसके बारे में मुझे मजीद और कुछ नहीं सुनना, मैं वैसे ही बहुत थक चुकी हूँ, जा रही हूँ। नहीं सुधरूगी, ये कभी किसी की बात नहीं सुनती। थक गई मैं, थोड़ा रेस्ट कर लेती। ठीक है। इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, कर दूं मैं तुम्हारे लिए? जरूरत नहीं, ये बहुत नीचे है, तुमसे होगा नहीं, थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा, हट जा। अच्छा ठीक है, तुमसे होगा ना इसलिए कर रहा हूँ, इसको यहाँ कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। शुक्रिया तुम्हारा, बैठ जाओ, एक दफा चेक कर लो, ये बहुत ज्यादा हार्ड होगा। जरूरत नहीं, मुझे आदत है इसकी। पहले चेक कर लो, नहीं तो तुम्हें दर्द होने लगेगा, मसल्स खिंच जाएंगे, दर्द होगा। एक मिनट हट जाओ, थोड़ा वेट कम कर देता हूँ मैं। 10-10 के 3 सेट्स लगाने होंगे, ठीक है? सुनो, सांस अंदर और बात सुनो ना मेरी। एक मिनट रुक जाओ औजान, जरा आकर बात सुन लो मेरी पहले। भाई मुझे आज डिनीस से बात करनी है, कोई अच्छा सा आइडिया दो ना मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है करने को, मैं तो सोते जागते सिर्फ लोगों के रिलेशनशिप्स के बारे में सोचता हूँ। आप हुक्म कर क्या करना है? भाई तुमने ही कहा था कि तुमसे पूछे बगैर मैं कुछ ना करूं, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं ना मैं, तो अब ये क्या है? लेकिन ये तुमने नहीं सोचा कि मैंने क्यों कहा था। वो इसलिए क्योंकि तुम इस काम में मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर हो, और हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, तो अच्छा ही सोचोगे ना मेरे बारे में। क्या बात है तुम्हारी, वाह वाह। हाँ तो क्या कहना चाहिए बताओ ना। एक सेकंड सोचने दो, जरा सोचने दो। रुको जरा, यहाँ नहीं, पुरसुकून जगह पर चलते हैं, आ जाओ। हाँ ठीक है।
हेलो सरदार। एज़गी कैसी हो? ठीक, तुम? मैं भी ठीक हूँ शुक्रिया। मैं हॉस्पिटल से निकलने ही वाला था, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो क्या हम मिल सकते हैं? आई एम सॉरी, अभी नहीं मिल सकूंगी। मैं अपनी दोस्तों के साथ जिम आई हूँ, फिर खाना खाने जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, एंजॉय करना तुम लोग। थैंक यू। तो ये बताओ हम लोग कब मिल सकते हैं? वैसे तो पूरा हफ्ता मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन हफ्ते को कहती हो तो हम लोग। सरदार, असल में रेस्टोरेंट में लैटिन नाइट प्लान की है, तो उसके लिए बुलाना था मैंने तुम्हें। लैटिन डांस होगा, खाना होगा, म्यूजिक होगी। वाह, सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे भी मुझे इस तरह का म्यूजिक बहुत पसंद है। वैसे तो टैंगो डांस किए हुए काफी अरसा हो गया है, मगर तुम कह रही हो तो कोशिश की जा सकती है। वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इन चीजों में इतनी दिलचस्पी है। तो फिर हाँ समझूं क्या मैं? हाँ, अगर तुम चाहती हो तो चलते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया तुम्हारा। जाने से पहले हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। प्रैक्टिस की क्या जरूरत है, अब जबकि हमें टैंगो इतना ही पसंद है तो दोनों जरूर डांस कर लेंगे। अच्छा है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जानसू, इसे छोड़ो, तुम भी इधर आओ। अब क्या मसला हो गया? क्या हुआ? लगता है मेरा किस्सा तमाम। यानी सरदार की नजरों में मैंने जो अपनी थोड़ी सी भी इज्जत बनाई थी वो भी अब खत्म होने वाली है। क्यों, हुआ क्या है? सरदार को लेटर नाइट के लिए इनवाइट किया है। हाँ, ये तो अच्छा किया तुमने, अच्छी बात है। सही, सुनने में तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। ये बात जो कोई भी सुनेगा यही कहेगा कि मैंने अच्छा किया उसे बुलाकर। लेकिन सिर्फ अगर सरदार से ये नहीं कहा होता, मुझे टैंगो बहुत अच्छा आता है। तो तुमने सरदार से कहा कि टैंगो डांस करना जानती हो तुम? ओह, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अब जब किस मुश्किल में तुम दोनों ने मुझे डाला है, तो अब तुम लोगों को ही फर्ज बनता है कि इस मुश्किल से मुझे निकालो। इधर उधर देखने का कोई वक्त नहीं है, हमें आज ही इस बात का कोई हल निकालना होगा। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। कैसे पुरसुकून हो जाऊं मैं? मुझे भी टेंशन लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये इतना बड़ा मसला है। लेकिन इवेंट में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए। मगर असल मसला पता है, मुझे इन्हीं 4 दिनों में टैंगो की तैयारी करनी होगी, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ। कैसे करूँगी टैंगो डांस में? 4 दिनों में टैंगो सीखना थोड़ा मुश्किल है, और कोई सिखाने वाला भी तो होना चाहिए, जो कि नहीं है। रुको रुको, एक मिनट रुको और गौर से सुनो। हम लोग तुम्हारे लिए एक टीचर हायर करेंगे। मुमकिन होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। Good. तुम्हें घबराने की जरूरत हाँ। नहीं। चलो ठीक हाँ, है वैसे टीचर हायर कर लेते हैं, रोज 5-6 घंटे तो होंगे ना सीखने के लिए। अरे वाह, जबरदस्त, क्या कर रहे हैं वैसे? आखिरकार मिल गया ये। यही ढूंढ रहा था। क्या बात है? एक्सरसाइज कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, प्लान करें ना भाई, बॉल वगैरह क्या जरूरत है आपको? मैं वहां से खड़े होकर देख रहा था, इसे ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुके, आपको बताता हूँ। मिसाल हाँ। के तौर पर बॉल के ऊपर अपनी टांगे रखें और इस तरह से प्लैंक करें, ये ज्यादा फायदेमंद होगा। अच्छा, काफी मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं, आप कर सकते हैं। वो अकेली है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। कोशिश करूंगा। अरे आप कोशिश तो करें, कोशिश करें, बहुत अच्छा है, बहुत फिट रहेंगे आप प्लान। चलो फिर इसे मिलकर करते हैं। हाँ एक मिनट रुके, औजान क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम ये? हाँ क्या कर रहे हो? मैं जाकर उससे बात कर रहा हूं, मुझे तुम्हारी किसी टेक्निक पर अमल नहीं करना। क्या कुछ देर रुक कर हम यहां पर देख सकते हैं? हम दोनों एक ही चीज देख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक ही चीज देख रहे हैं हम यहाँ। यानी जरा सोचो कि तुम्हें लगता है कि बहुत आसान होगा तुम्हारे लिए ये सब करना? आसान तो नहीं, दिख रहा है वो गुस्से में। और मुझे उसकी यही अदा बहुत पसंद है, वो शदीद गुस्सा है मुझ पर भाई। मैं जा रहा हूँ उसके पास, बहुत हो गया। लेकिन मुझे कोई ऐसा याद नहीं आ रहा जो टैंगो करता हो, बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा मेरे तो। टैंगो कहा? हाँ टैंगो, क्या तुम जानते हो टैंगो कैसे होता है? मैं तो नहीं जानता, लेकिन असगर को अच्छी तरह आता है। असगर? क्या वाकई में? नहीं, मैं जानता इस बारे में, तो ये तुम क्या बातें कर रहे हो? क्या मतलब तुम नहीं जानते? टैंगो इसे बहुत अच्छी तरह आता है, शायद शर्मा रहा है इस वक्त। शर्माओ मत, शर्माओ मत, कहो ना। एक नंबर का फजूल आदमी है। अरे सब मेरे पास की बात नहीं है, ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकता मैं। शर्मा क्यों रहे हो, बताओ ना टैंगो के बारे में। मुझे समझा रहा है ये क्या? ये क्या? लेवेंट? अरे लग गया। लेवेंट, लेवेंट क्या हुआ तुम्हें? यार लेवेंट, ठीक ठीक क्या हुआ? उठाया तो गिर गया। हुआ क्या है? असगर ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, और ना मैं जानता था। असगर, मेरा क्या कसूर है?
तुम्हारे कहने पर ऐसा करा था और ये मेरे साथ क्या हो गया? लेकिन तुम तो इसमें माहिर हो, मुझे तो मालूम ही नहीं था। मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। क्या बहुत दर्द हो रहा है? हाँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो। मेरे साथ क्या हो गया? मैंने ऐसा क्यों किया? मेरे लिए तो योगा ही सही था। ठीक है, चलते हम लोग। से नहीं पकड़ो, दर्द हो रहा है। ठीक है, देख कर संभल कर। क्या कर दिया? कुछ भी नहीं, संभल के। ये मुझसे क्या हो गया? अब इसे क्या हो गया? मेरी हेल्प चाहिए हो तो बताइएगा, इस बारे में बाद में बात करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, एनी टाइम। और हाँ, जरा ख्याल से ज्यादा उछल कूद मत कीजिएगा। जानसू, ऐसा हो जाएगा, हमें नहीं पता था।